बाली जितनी सुंदर जगह है उतनी ही डिफ़िकल्टी आती है इसको प्लान करने में, कंसिडरिंग इस छोटे से आइलैंड में इतनी सारी सुंदर जगह है दैट यहाँ पर अगर आप 1 या 2 महीना भी रुक रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। सो इसी के साथ अगर आप भी अपना बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं फॉर 1 वीक 2 वीक और मे बी मोर देन दैट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रैवल आइटनरी से लेकर करेंसी, लोकल सिम, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट्स, best time to visit and everything you should know before visiting Bali. So without any further ado, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं which is best time to visit Bali. क्योंकि बाली एक ट्रॉपिकल आइलैंड है, यहाँ पे सिर्फ दो ही तरह के वेदर है, समर्स एंड मॉनसून. सो बेस्ट टाइम टू विजिट बाली इज ड्यूरिंग समर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टिल सेप्टेम्बर. इस पूरे टेन्योर में आपको अप्रैल या सेप्टेम्बर में फिर भी थोड़ी रेन मिल सकती है बट बीच के मौसम विल बी वेरी अमेजिंग. तो इसी के अकॉर्डिंग अपने कपड़े प्लान कर सकते हैं, देर इज नो विंटर सीजन इन बाली. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे विच इज फ्लाइट्स. तो आई विल से कि बाली के टोटल बजट में से आप 40% तो अपनी फ्लाइट्स को ही दे दो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपेरेटिवली टू एनी अदर साउथ एशियन कंट्रीज. सो इंडिया से बाली की फ्लाइट्स आपको 30 to 35 नॉर्मल अगर आप 2 महीने पहले एडवांस में बुक कर रहे हैं तब मिल जाएगी, वरना 40 to 45 के तो आपके आराम से लग जाएंगे कंसिडरिंग अगर आप चेक इन बैगेज ले रहे हैं या नहीं, बिकॉज आपको फ्लाइट की रेट्स तो मिल जाएगी 30-35 में बट आप जैसे ही बैगेज ऐड करेंगे तो 4-5 kg पर ट्रिप आपका ऐड हो जाएगा. तो ये चीज़ का ध्यान रखना, फ्लाइट सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट. दूसरी चीज़ है आपकी लेओवर कहाँ पर है. वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इन तीनों जगह पे आपको लेओवर्स मिल जाएंगे. अगर आप अपनी ट्रिप को 2-3 दिन एक्सटेंड करके सिंगापुर भी कवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दैट वुड बी अ वेरी गुड डील. अदरवाइज सिंगापुर एयरपोर्ट भी बहुत डिसेंट है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए या लॉन्ग लेओवर्स के लिए. अगर आपका शॉर्ट लेओवर है तो वियतनाम आप कंसिडर कर सकते हैं पर 4-5 घंटे से ज़्यादा हो ची मिन्ह सिटी के एयरपोर्ट पर करने को कुछ भी नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन. सेम गोज विद क्वालालंपुर, हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट फर्स्ट टाइम क्वालालंपुर से थी, उस एयरपोर्ट पे भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी कंट्री चूज करते हैं बट सिंगापुर विल बी द बेस्ट ऑप्शन. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे विच इज वीजा. तो मैं बता दूं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि बाली का वीज़ा फ्री है या नहीं, बिकॉज कुछ साल पहले तक था बट अब इट्स वीज़ा ऑन अराइवल. मतलब आप जैसे ही बाली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तब तक आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आप जैसे ही अपना सामान लेके आगे बढ़ेंगे आपको सबसे पहले वीज़ा ऑन अराइवल के लिए पेमेंट देना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 34 to 35 USD. एंड उसके लिए वेरियस ऑप्शंस है, आप पेमेंट कर सकते हैं कार्ड से या आप कैश से भी कर सकते हैं. कार्ड अभी रिसेंटली चालू, हमने अपना कार्ड यूज किया था बट आई थिंक सेफर साइड पे आप करेंसी रख सकते हैं US डॉलर्स या फिर आपके पास IDR है तो. तो इसके साथ आपको स्लिप मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे देन आपको एक स्टिकर वीजा मिल जाएगा फॉर बाली फॉर 30 डेज. सो बेसिकली 30 डेज तक आप रुक सकते हो बट 30 से ज़्यादा अगर आपको रुकना है तो आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है. वो आप जब सिटी में एंटर कर जाते हो एंड 30 डेज के अंदर अंदर आप एक्सटेंड करवा सकते हो प्लस 30 डेज का. उसके लिए बेसिकली अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. सो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप वहाँ जाकर लोकल वेंडर से पूछ सकते हैं. सो टोटल आप 60 डेज के लिए बाली इजिली जा सकते हैं. अगर आप बाली के ट्रैवल पैकेजेस ढूंढ रहे हैं देन महाराजा ट्रैवल्स इज योर सोल्यूशन. मैंने भी अपनी बाली ट्रिप महाराजा ट्रैवल्स के साथ बुक करी थी, उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज आइटनरीज बनाई थी. आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके डिफरेंट पैकेजेस चेक कर सकते हैं एंड उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज करेंसी. सो बाली की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया जिसकी वैल्यू है कुछ ये आज की डेट पर. बिकॉज यहाँ की करेंसी बहुत लोअर है तो आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है. तो आई विल रेकमेंड कि आप डॉलर्स लेके जाए इंडिया से सबसे पहली चीज़ एंड वहाँ के एयरपोर्ट या मेन सिटी में जाकर उसको कन्वर्ट कराएं. बेस्ट रेट्स आपको सिटी में मिलेगी बट अगर ज़रूरत पड़ी तो आप एयरपोर्ट से भी करवा सकते हैं. दूसरी चीज़, हमने अपना फोरेक्स कार्ड एंड अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन ऑन करके रखा था, दोनों को टाइमली यूज किया था. अगर आप फोरेक्स कार्ड ढूंढ रहे हैं जिसमें मार्कअप फीस ना लगे जो कि आपके कार्ड्स पे लग जाती है तो आप न्यू ग्लोबल का यूज कर सकते हैं या आजकल थॉमस कुक का भी फोरेक्स कार्ड आ गया है जो काफी कन्वीनियंट है. तो इस अकॉर्डिंग आप अपने फोरेक्स एंड कैश का कॉम्बिनेशन रखना. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज सिम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 2 से 3 पॉइंट्स है. अगर आपको हाथों हाथ सिम चाहिए एट द एयरपोर्ट, हैसल फ्री चाहिए
क्लूक पे जाके आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, टेलीकॉम सेल के आपको सिम्स मिल जाती है। अगर आप पाली एयरपोर्ट पे पहुंचकर सिम देख रहे हैं तो बहुत सारे आउटलेट्स हैं, टेलीकॉम सेल का हमने लिया था जो काफ़ी अच्छा चला था एंड सबका ऑन एन एवरेज एक ही कॉस्ट रहता है। कुछ ये कॉस्ट है अगर आप 30 डेज के लिए ले रहे हो वैलिडिटी के साथ, सो आप अपने हिसाब से अपनी सिम चूज़ कर सकते हो। वैसे तो आपको सिम की बेस्ट रेट मिलेगी विद इन द सिटी, बट अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हो या अपनी प्री बुक कर सकते हो फ्रॉम क्लूक। सारे ही ऑप्शंस बहुत सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन बाली। सो बेसिकली बाली बीइंग एन आइलैंड बहुत छोटा नहीं है, बट इजिली कवर हो सकता है ऑन स्कूटी और कार्स। सो स्कूटीज यहाँ की सबसे बेस्ट मोड है ट्रैवल करने के लिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इनफ, फर्स्ट है आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। पर डे 400 और मैक्सिमम 500 की कॉस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रॉम योर होटल, आप जहाँ पर भी रुके हैं वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगी। बाली का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सॉर्टेड है, तो अगर आप ग्रैब, गोजेक या इन सब एप्लीकेशन से कैब बुक करते हैं वो भी बहुत फीजिबल है। आप कैब के साथ साथ स्कूटी भी बुक कर सकते हैं, तो अगर आप स्कूटी नहीं चलाना चाहते हैं तो आप गोजेक से ईजिली बुक कर सकते हैं। बट कुछ कुछ एरियाज़ में आई विल रेकमेंड कि आपको गोजेक और ग्रैब उतनी ईजिली नहीं मिलेगी, एंड क्योंकि लोकल जो बाली का यूनियन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है ग्रैब और गोजेक को, तो आपको किसी किसी रिमोट एरियाज में इशू आ सकता है। एंड कई एरियाज पे तो स्ट्रिक्टली लिखा होता है दैट ग्रैब एंड गोजेक्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। सो ये चीज़ का आप चेक कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं जगह में इशू मिला है, तो इट्स बेस्ट कि आप स्कूटी खुद से हायर कर लो एंड डिपेंडेंट ना रहो। अदरवाइज ग्रैब एंड गोजेक से आप अपनी आराम से कैब्स बुक कर सकते हो, बहुत ईजी है फ्रॉम एयरपोर्ट। आप अगर प्राइवेट कार्स भी बुक करना चाहते हो, रेंटल अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। 1400 to 1500 rupees आपको पर डे के कॉस्ट पे मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग द फ्यूल। सो कैब और स्कूटीज और फेरीज, फेरीज तब काम आएगी जब आप आइलैंड हॉपिंग करोगे। तो सबसे पहले जैसे आपको नूसा पेनीदा जाना है या गिली आइलैंड जाना है या नूसा लैम्बोगन जाना है, ये सारे एरियाज के लिए आप सिर्फ फेरी से ट्रैवल कर सकते हो। फेरी का कॉस्ट भी आप क्लूक से बुक कर सकते हो फेरीज, या फिर आप गेट योर गाइड से कर सकते हो। 1000, 1500, 2000 की रेंज में आपको डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फेरीज एंड टाइमिंग्स ईजिली बुक हो जाएगी। सो आप हैसल फ्री ट्रैवल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। बट बाली में कोई लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है लाइक बसेज और ट्रेन्स, सो यही सारे ऑप्शन है जो आपको लेने चाहिए एंड विच आर बेस्ट बिकॉज रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बट अगर आप कार ले रहे हैं तो माइंड इट, यहाँ पर आपको सिंगल लेन रोड ज़्यादा मिलेगी, सो यू वोंट हैव दैट कम्फर्ट ऑफ डबल लेन और बिग हाईवेज। बट रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, कुछ कुछ रिमोट जगह पॉइंट से पहुँचने से पहले रोड्स खराब हो जाती है, बट वो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ ATM। सो बेसिकली आपको मेजर सिटीज़ में इजिली मिल जाएंगे ATMs एंड बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पे आप अपना इंडियन डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑन हो। बट नूसा पनीदा में हमें बहुत डिफ़िकल्टी आई थी, बहुत सारे ATMs जो फंक्शनल नहीं है। तो आप जब भी रिमोट एरियाज़ में जाओ मेक श्योर आप अपने साथ कैश लेके जा रहे हो, अदरवाइज यू एंड अप पेइंग अ लॉट आप ड्यू टू यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड और एनी अदर ट्रांजैक्शन विच विल टेक ह्यूज मार्कअप फीस। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। रिमोट एरियाज ऑफ बाली आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड विद डिफरेंट ATMs एक्सेप्टिंग द इंडियन डेबिट कार्ड्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ द ट्रैवल इंश्योरेंस। सो ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बाली में एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि एयरलाइंस ने नहीं पूछा, बट आई विल रेकमेंड इररिस्पेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है या नहीं, यू शुड डेफिनेटली बाय वन ट्रैवल इंश्योरेंस। भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो, बट लाइफ इज़ अनसर्टेन, दीज ट्रैवल इंश्योरेंसेज आर वेरी मच स्पेशली ऑन एन इंटरनेशनल ट्रिप। सो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैं नेक्स्ट पॉइंटर की, विच इज़ दी एंट्रेंस फीस। सो कुछ जगहें हैं लाइक स्पेशली उल्लू आटू के जो बीचेज़ है, जो क्लिफ बीचेज है, वहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है, डैट इज़ समहाउ अराउंड 50 to 100 rupees। कुछ आपको टेम्पल्स की देनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप उल्लू आटू में केकक डांस देखना चाहते हैं, उसकी आपको 1000 to 1500 के रेंज में टिकट्स पड़ेगी पर हेड। एंड वन टिप, एडवांस में बुक कर लेना बिकॉज वो फुल रहता है 2 दिन पहले तक भी, ये हमारे साथ हो चुका है। सो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। एंड कुछ कुछ जगह आपको वाटरफॉल्स की भी एंट्री फीस देनी पड़ेगी, ओवरऑल आपका बहुत मेजर खर्चा नहीं होगा इन दी एंट्रेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पर, विच इज स्टेज इन बाली। ट्रस्ट मी, बाली में सबसे सॉर्टेड चीज़ है वो है स्टेज, अगर आप एडवांस में बुक कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हॉस्टल्स, अगर आप सोलो बैकपैक कर रहे हैं,
टू द एयरबीएनबीज और द बिग वाटर विलाज विद प्राइवेट स्विमिंग पूल. यहाँ पे आपको सब वेराइटी के बहुत ही रीजनेबल रेट्स में स्टेज मिल जाएंगे. हॉस्टल्स आपको 300 to 700 की रेंज में बहुत डिसेंट मिल जाएंगे. अगर आप विलाज देखना चाहते हैं तो वो 3000 से स्टार्ट होकर 4-5 तक जा सकते हैं. एयरबीएनबी पे आपको बहुत अच्छे डील्स मिल जाते हैं. बहुत अच्छी अच्छी जगहों में आपको 2 to 2.5 अगर आप 2 महीने पहले बुक कर रहे हो ईजिली मिल जाएंगे आपको एयरबीएनबी. आप अगोडा भी यूज़ कर सकते हो और बुकिंग के लिए आप booking.com भी यूज़ कर सकते हो. ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत रीजनेबल रेट्स पर आपकी चॉइस के हिसाब से स्टेज बता देंगे. मैं अपने स्टेज के नाम बता देती हूँ यहाँ पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी सो दैट यू आर अवेयर. सो आप अपने हिसाब से अपना स्टे चूज कर सकते हैं एंड इट विल बी क्वाइट रीजनेबल. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ फूड. बहुत लोग स्केप्टिकल है कि बाली में वेजिटेरियन फूड मिलता है या नहीं. बीइंग एन वेजिटेरियन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ना सिर्फ वेजिटेरियन बट आपको यहाँ पे वीगन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं बहुत सारे. क्योंकि बाली वीगन कल्चर को बहुत प्रमोट करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप इंडियन फूड भी देख रहे हैं तो आपको हर सिटी में बहुत ईजिली मिल जाएगा. लाइक मेजर सिटीज़ ऑफ उबुद एंड सेमनयाक यहाँ पर तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे. इवन नूसा पेनीदा में भी हमें दिल्ली 6 नाम का एक रेस्टोरेंट मिला था. मैं इन सारे रेस्टोरेंट के नाम ऊपर लिंक कर देती हूँ जहाँ पर आपको प्रॉपर इंडियन फूड मिलेगा. एंड आप कैफे कल्चर देखना चाहते हो वेजिटेरियन वीगन ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. एक फूड है जो मैं जरूर रेकमेंड करना चाहूंगी वन विच इज नासी गोरिंग जो यहाँ का लोकल कुजीन है. एंड इट्स मोर ऑफ लाइक अ फ्राइड राइस एंड साथ में कुछ स्टार्टर्स होते हैं बट बहुत यमी होता है. एंड यहाँ पे जितने भी आप स्मूदी बोल्स आपको मिलेंगे वो जरूर ट्राई करना. सारे बहुत ही यमी होते हैं. इन शॉर्ट सारे फ्रूट्स बहुत टेस्टी होते हैं बींग अ ट्रॉपिकल एरिया. सो ये सारी चीजें जरूर ट्राई करना इफ यू आर गोइंग टू बाली. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज एक्टिविटीज. ना सिर्फ वाटर एक्टिविटीज बाली में बहुत फेमस है बींग एन आइलैंड, यहाँ पर बहुत सारे आप ट्रैक्स भी कर सकते हैं टू दी वॉलकैनोज. सो बेसिकली यहाँ पे आपको माउंट बातूर जो कि बहुत फेमस ट्रैक है वॉलकैनो ट्रैक है जो आपको उबुद से मिलेगा आप ये भी ट्राई कर सकते हो. इसका कॉस्ट अराउंड 3 to 4000 है. वेरी करता है उससे ज्यादा भी होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम. ये आपको क्लू का गेट योर गाइड पे मिल जाएगा. वाटर एक्टिविटीज गिली आइलैंड या नूसा पेनीदा दोनों में बहुत फेमस है. नूसा पेनीदा में आपको मिल जाएगी मैंटा रे जिनके साथ आप स्विम कर सकते हो और हमने रियली मैंटा रेज देखी थी. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जो कि बेसिकली स्नॉकलिंग के चार्जेस आपको 1.5 to 2K के रेंज में पड़ जाएंगे. अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो थोड़ा स्लाइटली एक्सपेंसिव हो जाता है. लाइक ये 5 to 6K के रेंज में जाता है और डिसेंट आप स्नॉकलिंग के रेट्स पे और ज़्यादा बार्गेन कर सकते हो. 600 to 700 पे भी मैंने देखा है. ये सारी एक्टिविटीज आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए. अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज द आइटनरी. बाली में अगर आप 1 महीना भी रुक रहे हो तो ट्रस्ट में आपको यही लगेगा कि कुछ ना कुछ तो रह ही गया. बट आई विल से मिनिमम आपको 1 वीक तो ज़रूर गुजारना चाहिए इन बाली. तो मैं आपको पहले आइटनरी शुरू करती हूँ 1 वीक की एंड देन आई विल जस्ट एड अप फॉर 2 वीक्स एंड इट्स अमेजिंग इफ यू आर स्टेइंग फॉर मोर देन 2 वीक्स. फॉर 1 वीक आइटनरी सबसे पहले दिन तो आप लैंड करोगे टू बाली एयरपोर्ट एंड वो दिन आप चिल ही रख सकते हो एंड नियर बाई एरियाज में जा सकते हो लाइक सेमनयाक और चांगू. आप कोटा भी जा सकते हो जो एयरपोर्ट के बहुत पास है बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है तो आप इसको एक्चुअली स्किप भी कर सकते हो. बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दोज क्राउडेड प्लेसेस तो कोटा कैन बी योर फर्स्ट डे. एंड आप नेक्स्ट डे जा सकते हो सेमनयाक. सेमनयाक क्योंकि पार्टी प्लेस है बाली के, यहाँ पर लाफ अवेला जैसी जगह आप ज़रूर जाना. एंड आप यहाँ के मार्केट्स में जा सकते हो, यहाँ पर बीचेस भी बहुत सुंदर है. एंड चांगो में आप ब्लैक बीच जा सकते हो, यहाँ के कैफेज एंड बीच क्लब्स भी बहुत फेमस है. सो ये आप सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन में कर सकते हो. अब नेक्स्ट चीज आएगी कि आपको या तो नॉर्थ की तरफ टुवर्ड्स उबुद जाना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए उल्लूवाटू. हम लोग बेसिकली पहले उल्लूवाटू गए थे टुवर्ड्स द साउथ. उल्लूवाटू में 2 दिन काफी है एंड मैंने इस पे प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है तो अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेक कर लेना. उल्लूवाटू में 2 दिन स्पेंड करने के बाद आप जाइए सानूर पोर्ट जहां से आप नूसा पेनीदा जा सकते हैं. सो नूसा पेनीदा की आप डे ट्रिप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है. बट आई विल रेकमेंड आप मिनिमम 1 दिन तो रुकना नूसा पेनीदा में बिकॉज ईस्ट और वेस्ट नूसा पेनीदा दोनों ही बहुत सुंदर है एंड आई थिंक अ डे वोंट बी अ गुड जस्टिस टू नूसा पेनीदा. एंड इसी के साथ आप नूसा पेनीदा से गिली आइलैंड भी जा सकते हैं. वहाँ से भी आपकी डायरेक्ट आपको फेरीज मिल जाएंगी एंड गिली आइलैंड में 1 से 2 दिन बहुत होगा. अगर आप गिली और नूसा दोनों में थोड़े कन्फ्यूज है तो आई विल टेल यू कि गिली आइलैंड थोड़ा पार्टी आइलैंड है जहाँ पर आपको बेसिकली आपकी स्कूटीज नहीं चलती है उस आइलैंड पर एंड बहुत सारे आपको डिफरेंट रात में पार्टीज होती है एंड थोड़ा अलग वाइब होता है. तो अगर आप फैमिली के साथ या कपल के साथ जा रहे हैं
तो आप नूसा पेरिंदा चूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, सोलो जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, तो आप गिली आइलैंड चूज कर सकते हैं। तो आपकी आइटनरी में आपने दो दिन का आइलैंड चूज कर लिया, नूसा या गिली। अब नेक्स्ट आ जाता है उबुद। उबुद बींग दी हार्ट ऑफ बाली, आई थिंक वहाँ पर चार दिन भी कम पड़ते हैं, बट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डेज आप वहाँ पे मिनिमम दो दिन ज़रूर स्पेंड करना। उबुद पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। दो दिन से ज़्यादा स्पेंड करते हो तो आप दूर के वाटरफॉल्स एंड ट्रैक्स एंड सब कुछ कर सकते हो। आई विल से आइडियल वुड बी फोर डेज इन उबुद, बट दो दिन में भी आप इजिली कवर कर सकते हो उबुद को। तो इस तरह से आपका मिनिमम सेवन डेज में आप साउथ गए, एक आइलैंड गए, उबुद गए, एंड यू स्टार्टेड विद सेमनयाक। एंड अगर आप एक और एक एक्सटेंड करते हो तो आप अपना नूसा पेरिंदा और गिली दोनों कर सकते हो। उबुद में दो से तीन दिन और बढ़ा सकते हो एंड सेमनयाक में एक और दिन एक्सटेंड कर सकते हो। एंड इसी तरह से आप पूरे दो वीक में इजिली कवर कर सकते हो बाली को। बट बहुत सारे रिमोट जगह है जो कि बहुत दूर है बाली से, सो उसके लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम बाय करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, विच इज द कॉस्टिंग। सो आई विल टेल यू, कॉस्टिंग आपके टाइप ऑफ ट्रैवल के साथ बहुत वैरी करती है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, हॉस्टल्स में रुक रहे हो, तो प्राइस अल्टीमेटली वैसे ही कम आ जाता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिलीज के साथ एंड आप होटल प्रेफर करते हो, सो इन सब पैरामीटर्स के साथ साथ आपका कॉस्टिंग एंड बजट भी बढ़ता रहता है। बट मैं आपको ऑन एन एवरेज एक रफ बजट बता सकती हूँ कि ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, बट इसके ऊपर आपके टाइप ऑफ ट्रैवल पर बहुत डिपेंड करेगा जो फाइनल कॉस्टिंग होगा। सबसे पहली चीज़ मैंने फ्लाइट्स आपको बता दी, ऑन एन एवरेज 30-35K। दूसरी चीज़ वीज़ा आ गई 2.8K। फिर आपको सिम लेनी पड़ेगी, अराउंड 1000-1500 की आपकी सिम आ जाएगी प्लान्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन तो लेना ही पड़ेगा, तो आप फर्स्ट एयरपोर्ट से जब स्टे जाओगे एंड लास्ट डे जब वापस कैब आओगे, इसके आपके लग जाएंगे अराउंड 1000 रुपीज़। इसी के साथ आपको इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अराउंड 500 रुपीज़ तो स्कूटी वाला ले ही लेगा, सो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वाटर एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो तो स्कूबा की अराउंड 5-6000 है, स्नॉकलिंग 1000 के आसपास है, टेकअप डांस अगर आप जाते हो तो 1000 रुपीज़ के आसपास है। एंट्रेंस फीस ऑन एन एवरेज आपको डे वाइज 50 या 100 का आप एवरेज ले सकते हो। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी लगेंगी ही लगेंगी। इसके साथ मेन चीज़ आ जाती है कैफ़े एंड फूड। तो पर डे अगर आप बजट देखो, अगर आप वरुण जा रहे हो एंड थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हो एंड कैफेज जा रहे हो, तो मिनिमम आपका 1000 तो लगेगा ही लगेगा। बट आई विल से ऑन एन एवरेज आपका 1.5-2K आप ले सकते हो पर डे। एंड बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर है एंड ये सारे वो कॉस्टिंग है जो आपके डेफिनेटली लगेंगे। इसके टॉप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ जा रहे हो। अगर आप ट्रैक्स पे जा रहे हो तो उसका डिफरेंट कॉस्ट होगा। ये सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। सो ऑन एन एवरेज आई विल से आपका पर हेड, अगर आप साथ में भी जा रहे हो लोगों के, मिनिमम 65-70,000 तो लगेगा ही लगेगा एंड इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। बट ऑन एन एवरेज आई थिंक 85-90K मैक्सिमम इतना ही और बढ़ सकता है नंबर ऑफ डेज के साथ साथ। बट अगर आप 7-10 days के लिए जा रहे हो तो ये बजट रेंज इज़ क्वाइट डिसेंट एंड पर डे के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की कि एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन दूँ मैं इस पूरी कॉस्टिंग का, बट ये फिर भी डिपेंड करेगा एंड वैरी करेगा। बट आई होप ये आपको हेल्प करेगा एक बेसिक आइडिया देने के लिए। अब हम चलते अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, विच इज़ दी बोनस टिप्स। फर्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, ड्रोन्स अलाउड है कि नहीं बाली में। सो येस, ड्रोन्स आर इजली अलाउड। आप इंडिया से भी जब लेके जा रहे हैं कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इजली आप चेक इन बैगेज में अपना ड्रोन एंड बैटरीज को हैंड बैगेज में लेके कैरी करना। इवन बाली में भी कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं है, सो आप इजली ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स होंगे जिसके अराउंड स्पेशली लिखा होगा ड्रोन इज़ नॉट अलाउड, तो वहाँ पर तो आप थोड़ा केयरफुल रहना। सेकेंड इज इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है। लीगली यू नीड अ लाइसेंस, बट टेक्निकली कोई पूछता ही नहीं है आज तक। लाइक आई हैव बीन टू बाली ट्वाइस एंड आई हैव आस्क्ड सो मेनी फ्रेंड्स रिगार्डिंग इट। दे हैव हायर्ड स्कूटीज, दे हैव हायर्ड कार्स एंड उनको एक सिंगल पुलिस वाला नहीं मिला है। दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द लाइसेंस। आपको जो स्कूटी दे रहे हैं वो भी आपका इंडियन लाइसेंस मांगते हैं या मैक्सिमम पासपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन, उससे ज़्यादा कोई नहीं मांगता है। सो आई से कि इंडियन लाइसेंस विल वर्क इन बाली। थर्ड है which is I think very important here, बाली इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा फेमस है कि वहाँ के हर पॉइंट पर फ़ोटो लेने की इच्छा सबकी होती है। बट ट्रस्ट मी, कुछ जगहें सिर्फ फ़ोटो में ही अच्छी दिखती हैं, देन यू फील कि यार इतना दूर 2-3 घंटा आप ड्राइव करके वहाँ पहुँचे हैं जस्ट फॉर दैट पिक्चर। बट आई फील अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो, इफ़ यू हैव
लॉट ऑफ डेज लाइक अबव 2 वीक्स है, तब आप ये सारे ऑफ बीट प्लेसेस भी कवर कर सकते हो, वहाँ पे फोटो ले सकते हो. बट अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप उनको उन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में लगा सकते हो रादर देन जस्ट गोइंग टू दोज पॉइंटर्स. इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझसे कॉमेंट पर पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे DM कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प क्या होगा आपकी ट्रिप प्लान करने के लिए. इसी के साथ मैं बाली सीरीज एंड करती हूँ एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन.